नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के बारे में, कैसा रहेगा सितंबर 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए, कौन सी बड़ी परेशानियां हैं जो इस मंथ में हो सकती हैं और किन किन चीजों से रहना है आपको सावधान, कौन से बड़े गुड न्यूज हैं जो इस मंथ में आपको मिल सकते हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। दर्शकों, ये राशिफल चंद्र राशि वो आपके नाम पर आधारित है, तो आप इसे उसी प्रकार से देखने और समझने का प्रयास करें। इसके अलावा यदि आपको कोई भी विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मंथ में कुछ खास पर्व और त्योहार हैं जिनका आप पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। 6 सितंबर को तीज का पर्व मनाया जाएगा। जो कन्याएं अविवाहित हैं और विवाह योग्य हैं वो लोग इस व्रत को करें, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का रात्रि में अभिषेक करें, पूजा करें, अर्चना करें, विधिवत पूजा करें और आशीर्वाद मांगें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माता पार्वती के आशीर्वाद से आपको योग्य वर की प्राप्ति होगी। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। विघ्नहर्ता गणेश जी स्वयं आपके घर पधारेंगे और आपके जीवन में चल रही सभी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। आपको अपने घर में गणेश जी को विराजमान करना है। 11 दिनों को बहुत ही खुशनुमा पल बनाना है। ये 11 दिन आपके जीवन के श्रेष्ठ दिन होंगे जिसमें आपको गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर परिवार का सारा माहौल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल खुशियों से भरा माहौल होगा। तो इसका आप पूरा पूरा लाभ उठाएं। विघ्नहर्ता गणेश जी आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करेंगे। जिन महिलाओं को संतान की कामना है, पुत्र संतान की विशेष कामना है और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पुत्र संतान की कामना के लिए संतान सप्तमी का व्रत आप 10 सितंबर को जरूर करें। इसको करने से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से आप एक सुंदर पुत्र, गुणवान पुत्र की कामना करें, आपको एक सुंदर सा पुत्र जरूर प्राप्त होगा। तो ये कुछ खास चीजें हैं जिसका आप इस मंथ में विशेष लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशिफल के। तो आपके राशि के स्वामी बुध का गोचर लाभ स्थान में रहेगा, यानी इस समय पर आपका पूरा फोकस इनकम को लेकर के बढ़ा रहेगा। काम में थोड़ा सा हार्ड वर्क रहेगा लेकिन करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, घर परिवार के बड़े सदस्यों का, बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, पिता का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपके ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, बॉस हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा जिससे आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, पावर ऑफ एसोसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप जितने अच्छे लोगों के साथ होते हैं ना, उतना अच्छा आपका करियर होता है, उतना अच्छा आपका लक काम करता है, क्योंकि आप लकी लोगों के साथ तभी जुड़ते हैं ना जब आपका भाग्य उस तरफ भाग रहा है, दौड़ रहा है और आपको भाग्यशाली, आपका भाग्योदय होने वाला है। तो आप ऐसे लोगों से जुड़ें जिनका करियर बहुत अच्छा है ऑलरेडी, जिनका जिनकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन, इनकम सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों से आप जुड़ने का प्रयास करें, उनके भाग्य से आपका भाग्य बदलेगा। अपने बॉस की कभी बुराई नहीं करें, अपने बॉस के फेवर में हमेशा काम करें जिससे आपके करियर में आपके बॉस के माध्यम से ही कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ये चीजें आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। हमेशा अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करें, अपने बॉस की रेस्पेक्ट करें और उनको हमेशा सपोर्ट करें। देखें कि फिर कैसे उनकी खुशियों के माध्यम से आपका भाग्य बदलता है। तो ये चीजें आप इस मंथ में करेंगे, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। नई जॉब के ऑफर्स आएंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब मंथ हाफ के बाद आपको मिलने के चांसेस हैं यदि आपने अप्लाई कर रखा है तो। जो लोग आर्ट फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। कुछ लोगों की आप हेल्प करने के बारे में सोच सकते हैं, बिल्कुल हेल्प करें लेकिन बहुत ही गंभीरता पूर्वक। किसी की हेल्प करने के चक्कर में आप अपना कहीं नुकसान ना कर लें, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। छठे स्थान में शनि का गोचर रहेगा और द्वादश स्थान में सूर्य का गोचर रहेगा। कोई भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से आपको बचना है। इन लीगल केसेस आपके साथ हो सकते हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा सकते हैं, तो इन सब चीजों से बचना है। 2 नंबर की कमाई से आपको विशेष बचने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बचना है, तो इन सब चीजों से आप सावधानी रखेंगे, आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में नई तरक्कियां आपको और जीवन में नए रास्ते आपको मिलने लगेंगे। यदि इस समय पर आप अपना बिजनेस
कुछ बढ़ाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या एक जगह पे बंद करके दूसरी जगह पर स्टार्ट करना चाहते हैं, या एक से अधिक काम आप करना चाह रहे हैं, तो समय आपके फेवर में है। आप इन सभी चीजों पर बिल्कुल अपना फोकस कर सकते हैं। आपकी स्किल क्वालिटीज इस समय पर डेवलप होने वाली हैं, तो आप अपने IQ लेवल का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आपकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी सक्सेसफुल होने वाली हैं। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, मनभेद की स्थिति हो सकती है, इसमें आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम रहेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है और थोड़ी सी अपनी स्किल नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, घर परिवार से संबंधित सुख सुविधाओं में इस मंथ में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन के पूरे पूरे योग बने हुए हैं, तो यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके अच्छे चांसेस हैं। आप बाहर जाकर के जॉब भी करना चाहते हैं तो आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, फैमिली का भी और आपके भाग्य का भी। तो ये कुल मिलाकर के कुछ खास चीजें हैं इस गोचरी आधार से सितंबर मंथ में। इसके अलावा आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि ये गोचर का फल है, तो ये आपके पर्सनल लाइफ में सारा कुछ हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो आप अपने जन्म कुंडली का अध्ययन हमारे द्वारा करवा सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।